सीताराम दोस्तों, सब कैसे हो? सब बढ़िया ना? आज मैं अपने दीदी के घर पे आई थी और यहाँ पे ये देख सकते हो, दीदी को बहुत पसंद है ये सब। नहीं आता ये? हमारी दिव्या है, उसकी बेटी। वो इतनी मेहनत करती है कि उसकी बात ना पूछो, इतनी मेहनत करती है। और मेरे को ये दिया होता ना घर, तो अब तक तो हो गया होता। समझ लिया ना आपने? क्या हो गया? बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे और दीदी को पहले से ही ये सब पसंद है। देखो यहाँ पे सब जगह पे यही है, कुछ अलग अलग सब से। और उसको घर सजाना बहुत पसंद है। आपको मैं दिखाऊंगी उसका घर भी, आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो अभी मैं दीदी को भी दिखाऊंगी। वो भी हम गए थे खरीदी करने के लिए तो वो वही देख रहे हैं, तो अभी उसको भी दिखाऊंगी मैं। तो फिर हम अंदर चलते हैं अब। और ये मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो दीदी के घर पे बनाया था, पता है? ये हमारा जो है वो सुरापुरा है। चलो फिर हम अंदर आते हैं। ये बा और दीदी दोनों एक साथ देख रहे हैं। सब लोग देख ही सकते हो, दीदी के घर पे सबसे ज्यादा फ्लावर है, फ्लावर ही फ्लावर है। देखो शोकेस को भी देख लो जरा सा, उसको बहुत पसंद है घर सजाना। और कहीं पे मिट्टी या कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह से 7 बजे से शाम को दोपहर 2 बजे तक वो यही काम करती है। मैं नहीं कर सकती ये सब, क्योंकि बहुत मुश्किल है। सब इतना साफ रखना बहुत मुश्किल है, पर दीदी को बहुत पसंद है और वो ये सब करती रहती है। उसके घर पे यही सब को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप सब लोग। और ये उसके फैमिली फोटो से, ये मेरी दीदी की फैमिली फोटो है, आप देख सकते हैं। हाँ तो ये थोड़ी चीज़ का मैंने बे मणि अभी बे मैं कलर का आपको मैं पीछे से ले बनाकर देख सकते हैं। ये उसका फैमिली भी फोटोज है, देख सकते हैं। ये भी फैमिली, ये है हमारा तेज। और वो दीदी और जीजू है, जीजू और दीदी भी है और जेठ और जेठानी भी है। तो दीदी और जीजू मैं ज़्यादा कहती हूँ, तो इसलिए दीदी ही आती है मुँह पे, जेठानी या जीजू, जेठ नहीं आता। ये हमारी दिव्या है, उसकी बेटी। और वो मेरी मोम है, आपने कितनी नहीं वीडियो में तो नहीं देखी होगी। मेरी दूसरा चैनल है ना, उसमें देखा होगा, लेकिन इस चैनल में नहीं देखा होगा, क्योंकि मम्मी अब पैरालिसिस हो गए हैं, तो थोड़ा सा अलग है, उसको प्रॉब्लम हो गया है चलने में। और हाथ में तो अभी भी हाथ तो काम ही नहीं करता, तो उसकी लाइफस्टाइल ही बदल गई है अभी तो। देखो ये सब, घर को घर की तरह नहीं, स्वर्ग की तरह उसने सजाया है। और उसका फेवरेट कलर है रेड और ब्लैक, कहीं भी आप देखो उसका रेड ब्लैक में ही नजर आएगी वो। ये मेरी दीदी का किचन है और किचन में भी उसने फ्लावर रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप कितना उसको पसंद है ये सब। पसंद घर सजाना कितना पसंद है आप सोच सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा लगता है। और इसका जो रेड और ब्लैक ही है कलर भी, फर्नीचर भी रेड और ब्लैक का ही है, और कपड़े भी बहुत ज्यादा वो रेड और ब्लैक ही पहनती है।
आई तो आपको बता दिया, वरना ये सब तो मैं नहीं बोलती, लेकिन आई थी तो बता दिया। मैं अपने सिस्टर के घर पे आई थी तो आपको बता दिया। चलो अब चलते हैं। मैं ऊपर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अब, क्योंकि थोड़ा सा घर बताया और बाद में आया, आधा घर नहीं बताया तो अच्छा नहीं है, पूरा घर ही बता देती हूँ आपको, दिखा देती हूँ, बता ले सॉरी दिखा देती हूँ। कितनी वो एक ये सुखने का माहौल इतना है कि वही सुनाई देता है, कुछ और सुनाई देता ही नहीं। ये देखो फ्लावर, उसके कबाट के भी ऊपर फ्लावर ही है और ये नीचे भी, अभी आपको दिखाऊंगी सब कुछ। वहां पे देखो फ्लावर ही फ्लावर नजर आता है। देखो ये उसका बेड है और वहां पे भी फ्लावर है, और ये हमारे तेज का जब बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, तब ये फोटो खिंचवाई थी हमने। वहां पे थोड़ी लाइट आ रही है इसलिए ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, छोटू गोलू मोलू। घर पे ये रह गया था, मेरा जीजू और दीदी का फोटो था, वो मेरे लव के साथ, वो दिखा देती हूँ, बहुत पहले का है। दीदी ऐसी थी और अब कैसी हो गई है वो मैं बताऊंगी। मैं मेरे जैसे ही पतली पतली थी, अब हेल्दी हो गई है। तो आप देख सकते हैं, पूरा घर देख लो, मेरा घर भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने अब तक वीडियो ही नहीं बनाई अपने घर की, अब बनाऊंगी आगे, मेरे दिमाग पे नहीं आया था तब, अब आ गया है तो वो भी मैं बना के इस पे अपलोड कर दूंगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ घर तक ही नहीं था, यहाँ भी है ऊपर ऊपर बालकनी में भी है, सब देख सकते हैं आप सब लोग। ये कितना ब्यूटीफुल है, मेरे घर पे था, अब दीदी के घर पे है, क्योंकि हमने जब ब्लॉक लिया था तो वहाँ पे था, फर्स्ट रूम था, ये दूसरा, वो फर्स्ट रूम है, वो फर्स्ट रूम था, ये सेकंड रूम है, इस पे इस तरह से है, लेकिन दीदी को पसंद है इसलिए दीदी ने ऐसे बना दिया। और यहाँ भी फ्लावर है लेकिन कम है दूसरे रूम से, और आप देख सकते हो उसका फेवरेट कलर कहीं भी दिखने को देख सकते हो आप, कहीं भी रेड ब्लैक, सिर्फ ये दो ही कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको। और ये हमारा तेज का जो था दूसरा फोटो, वो है, देख सकते हैं तेज किस तरह से देख रहा है सब कुछ। और ये कुर्सी है, टब कुर्सी जिसको बोलते हैं। अब मैं नीचे की ओर जाती हूँ और आज सबसे खास जगह तो हम भूल ही गई थी मैं, तो ये है उसके घर का मंदिर। अब मैं नीचे चलती हूँ और दीदी को से बात कुछ करवाती हूँ, बोलेगी या नहीं बोलेगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं नीचे जाने के बाद आपको कह सकती हूँ कि वो क्या कहेगी।
हाय गाइस, ये मेरी दीदी है। हाय, हेलो, केम छो? બધા મજામાં છે ને? આજ મારા ઘરનો વિડિયો ઉતાર્યો, તમે લોકો બધા જોઈને કેજો મારું ઘર કેવું લાગ્યું, કોમેન્ટમાં બધા કેજો। એ પણ વિડિયો જોવે એટલે એને કોમેન્ટ તો દેખાય જ છે કે શું તમે કીધું એમ। એને ઘર સજાવવાનો બહુ જ શોખ છે અને મને પણ શોખ છે, પણ મને છે ને પાછળથી કામ કરવાનો શોખ એટલો ન। ઘર એટલું સુંદર રાખવું એ પણ એક લઈ લેવું, એ કોઈ એવું નથી કે હાલો લઈ લીધું તો પછી એને જે પાછળથી કામ કરવું ને એ અઘરું પડે। એટલે મારું તો કઈ ઠેકાણું જ ના હોય કે ક્યારે ક્યાં હોય એમ। એટલે કે મારો તો દી ઉગે ના જ, મેં એમાં એમાં જાય ઘરને અંદર ને અંદર જ સાફ સફાઈ કરવામાં જ। એટલી બધા કોમેન્ટમાં કહેજો મારું ઘર કેવું લાગ્યું એનું। એને આ ઘર લીધું ને એને ત્રણ चार बरस पूरा, चार साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा ही लगता है कि अभी ही लिया है। वो इतनी मेहनत करती है कि उसकी बात ना पूछो, इतनी मेहनत करती है। और मेरे को ये दिया होता ना घर तो अब तक तो हो गया होता। समझ लिया ना आपने? क्या हो गया? मैं इतना भी गंदा नहीं करती, लेकिन दीदी का घर देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं गंदा रखती हूँ उससे ज्यादा। उसका बहुत स्वस्थ होता है, कोई भी मेहमान आता है तो उसको ये लगता है कि अब हम वहाँ कसरा करेंगे तो क्या होगा। पूछते हैं कुछ है ये कसरा डालने के लिए, ऐसा पूछते हैं जो भी आता है। और सब लोगों को बहुत पसंद आता है, जो भी आता है वो यही यहाँ आके कहता है कि बहुत आपने घर स्वस्थ रखा है और आपकी पसंद लाजवाब है दीदी को। और दीदी का फेवरेट कलर आज उसने नहीं पहना, वरना ब्लैक और रेड में ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है ना इसमें ये कितनी बार आ चुकी है तो आप देख सकते हैं, उसमें रेड और ब्लैक के सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पहन घर में ये एक ही नहीं, उसकी बेटी, उसका बेटा और जो जीजा जी है उसको भी ब्लैक ही पहनाती है। सब एक ही साथ काला काला। ब्लैक फेवरेट है और रेड भी है, दोनों एक साथ। और दीदी सोच रही है मैं क्या बोलूं। कंफ्यूज में है कि क्या बोलूं मैं। ठीक है, मैंने એટલું બધું કઈ હિન્દી બોલતા આવડતું ને થોડું ઘણું આલે। ये भी बात सच है, मुझे भी नहीं आता है इतना हिंदी कि हम कह सके कि नहीं मुझे इतना हिंदी आता है। लेकिन थोड़े दिन हम प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी शब्द जो होता है वो याद आ जाता है, लेकिन पहली पहली बार तो मुझे भी मुश्किल हो रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा कैमरे के सामने बोलने में इतनी दिक्कत होती थी, मैं गुजराती भी नहीं बोल पाती थी। सामने कैमरा आते ही गुजराती भी भूल जाती थी। और मुझे लीला कहता था कि ऐसे बोलो, कि ऐसे बोलो, तुम कुछ तो बोलो। वो मुझे प्रश्न कुछ पूछे तो मैं उसके बारे में भी ऐसे घबरा के जवाब दे रही थी जैसे मैं पेपर देने के लिए गई हूँ। और वो सही है या गलत, कितने मार्क्स आएंगे वो सोच सोच के मैं जवाब दे रही हूँ, इस तरह से देती थी। बहुत मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब इतना डर नहीं रहता और बाद में बोलने में भी इतनी दिक्कत नहीं आती, आदत पड़े जाए पछी थोड़ा टाइम। कोई पण नवी नवी चीज हो, हर कोई इंसान ने थोड़ी तकलीफ थाय ज, पण कायम आपणी लाइफ में एनी वस्तु बने तो पछी बधा एनी थोड़ुक इजी थई जाय कोई पण वस्तु होय तो। બાકી બધી વસ્તુ મુશ્કેલ તો છે જ, કંઈ પણ આસાન ને તમે કોઈ પણ કામ કરો બધું મુશ્કેલ જ છે, પણ ટાઈમ લાગે, થોડોક ટાઈમ લાગે, ટાઈમ લાગે પછી થોડોક સમય જાય એટલે બધું ધીરે ધીરે સારું થઈ જાય। અને અબ તક મેં પહેલે તો મેં વોટ્સઅપ કે સિવાય કોઈ ભી એપ નહીં યુઝ કરતી થી, સોશિયલ મીડિયા મેં કુછ નહીં, લેકિન અબ મેં ઇન્સ્ટા ઓર ફેસબુક ભી બનાવી હુઈ હૈ। और अब मुझे इतना, मैं फ़ोटो भी कम पाड़ती थी, सेल्फी भी मेरे फ़ोन में इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सेल्फी लेने सर। सब लोग कहते हैं सेल्फी सेल्फी सेल्फी, लेकिन क्या करूँ अब यही मेरी है, काम तो यही है, मेरा वर्क जो है वही, उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा अब तो। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, मैंने इतनी बातें नहीं की अपने वीडियो में, आज पहला वीडियो है और दीदी के पास थी तो कुछ ज़्यादा ही बोल गई आज मैं। तो चलो बाय बाय, બાય બાય કહેજો, બાય બાય, કોમેન્ટ કરજો લખી ગયા હો બધા।